हाँ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट टू। तो पार्ट टू में सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 9p माइनस 5q होल स्क्वायर और प्लस 180pq। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो 9p माइनस 5q होल स्क्वायर क्या लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर ए की जगह 9p, सो 9p स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह 9p इंटू बी की जगह 5q, ओके। सो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 5q, ओके, और प्लस 180pq। ये हमने क्या किया, 9p माइनस 5q का एक्सपेंशन ये रहा, और प्लस 180pq कॉपी कर लिया, ठीक। चलिए अब 9p का स्क्वायर, ये स्क्वायर 9 को मिलेगा, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, और ये स्क्वायर p को मिलेगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ओके। नाउ अब आप देख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 9 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 45 इंटू 2 90, सो माइनस 90 और p इंटू क्यू pq, प्लस ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, क्यू को 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस में क्या है 180pq, ओके। नाउ लाइक टर्म्स को पास पास ले आइए, सो 81p स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, ये है माइनस 90pq, और ये देखो इसके पास भी pq है, इसके पास भी pq है, पास पास ले आओ, माइनस 90pq और प्लस 180pq। अब बच क्या गया आपके पास, प्लस 25q स्क्वायर, ये आपके पास बच गया, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं, 81p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को देखो, लाइक टर्म्स हैं, सो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, 180 बड़ा है कि 90, 180 बड़ा है तो साइन लगेगा क्या, पॉजिटिव, प्लस का, यानी कि प्लस का आंसर आएगा, और 180 में से 90 माइनस करो 90 आएगा, 180 माइनस 90, 0 माइनस 0 0, 18 माइनस 9 9, सो प्लस 90 और साथ में आएगा pq, ठीक है, प्लस का 25q स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, प्लीज वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी कर लिया, ओके सो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है, ये कितना आया सॉल्व करके, 81p स्क्वायर प्लस 90pq और प्लस 25q स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे राइट हैंड साइड को, और देखेंगे कि इतना ही आ रहा है या नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ आर एच एस राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड में 9p प्लस 5q होल स्क्वायर, ओके, यानी कि 9p और प्लस 5q होल स्क्वायर, यानी कि बच्चों a की जगह क्या आ रहा है 9p और b की जगह क्या आ रहा है 5q, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो अच्छा, एग्जाम में आप लिख देना कि यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, और ये आइडेंटिटी कॉपी में लिखना जरूर, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ओके। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 9p का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 9p और बी की जगह 5q और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5q का स्क्वायर, ओके, ये ऐसा हो गया, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर 9 को मिलेगा, p को 9 का स्क्वायर 81, p का स्क्वायर p स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 9 18 इंटू 5 90, सो 90 पी इंटू क्यू पी क्यू, प्लस ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, क्यू को 5 का स्क्वायर 25 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये लीजिए। सो आपका राइट हैंड साइड भी कितना आ गया, जितना लेफ्ट हैंड साइड आया था, 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कि क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ओके। ये अगर आपको ऐसे नहीं करना था, आप ऐसे भी कर सकते थे, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाला तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपने निकाला है इसको आप वापस से क्या लिख सकते थे, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, क्यों सर, क्योंकि इसको एक्सपैंड करोगे तो यही तो आएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और ये चीज़ क्या है, राइट हैंड साइड है,
तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि जो टीचर चेक करेगा आपका वो इस तरीके से चेक करेगा एग्जाम में, आप लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकाल के दिखाओ, राइट हैंड साइड उसको अलग से निकाल के दिखाओ, और फिर दिखा दो कि लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, और आप लिख दो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ओके, नोट कर लीजिए।